हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी केयर एंड कोर्स में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मैं होममेड फेस वॉश में आज बात करने वाली हूँ बेसन के बारे में। जी हाँ, बेसन हमारे सबके घरों में होता है, हमारे किचन में होता है। हमारी स्किन जब ख़राब हो लगती है तो हमें लगता है यार चलो बेसन का उपटन लगा लेते हैं, हर कोई यही करता है ना। तो बेसन हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा रहे, तो आप बेसन का फेस वॉश अपने फेस पर यूज कर सकते हैं। बेसन में आप जब भी फेस वॉश करें तो बेसन में हल्की सी चुटकी भर हल्दी आप मिक्स करके अपने फेस पर लगाइए, और उसके बाद हल्के हल्के हाथों से मसाज देते हुए अपने फेस से बेसन को हटाइए। आप पाएंगे आपकी स्किन बहुत सुंदर, और आपकी स्किन की जो डेड सेल्स हैं और जो आपकी स्किन में जो गंदगी है डीपली, आपकी स्किन क्लेंज हो जाएगी। सेकंड बेनिफिट्स मैं बेसन का बताऊंगी कि बेसन हमारे फेस को क्लीन करने के साथ साथ हमारे स्किन को हेल्दी भी बनाता है, और हमारे स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है उसको भी रिड्यूस करता है। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी कि फेस वॉश के साथ साथ आपको फेस पैक लगाने से फायदे होते हैं। बेसन का फेस पैक आप कैसे लगाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। जब भी आप फेस पैक लगाइए बेसन का, तो खाली बेसन का फेस पैक मत लगाइए, उसके साथ साथ आप बेसन के साथ साथ जैसे आपने टमाटो जूस मिक्स कर दिया, उसको दोनों को मिक्स करके आप अपने फेस पे लगाएंगे तो आपकी स्किन की जितनी भी पिंपल्स की प्रॉब्लम है और आपकी स्किन की जितनी भी ऑयली स्किन है, जो आपके स्किन में एक्सेस ऑयल है, वो आपका दूर होगा। सेकंड चीज, अगर आप बेसन और हनी को मिक्स करके अपने फेस पर फेस पैक लगाते हैं तो उसका भी अमेजिंग रिजल्ट है। उसके आपको पाएंगे कि आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग लगने लग जाती है। आपको 15 मिनट्स अपने फेस पर लगना है, उसके बाद अपने पैक को रिमूव करना है। थर्ड चीज, अगर आपकी स्किन काफी ड्राई है तो आप बेसन के साथ साथ थोड़ी सी उसमें मलाई मिक्स करके अपने फेस पर लगाइए, और आपका 15 मिनट्स के बाद अपने पैक को रिमूव कीजिए। आप जाएंगे कि आपकी स्किन में जितनी भी ड्राइनेस है वो दूर हो जाएगी। फ्रेंड्स, सेंसिटिव स्किन वाले बेसन के साथ खीरे के रस को मिक्स करके अपने फेस पर लगाएंगे तो उनकी स्किन आएगी और स्किन काफ़ी हेल्दी लगेगी। फ्रेंड्स, ये हैं बेसन के फायदे। आप बेसन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना खाना बनाने के साथ साथ या अपने और काम करने के साथ साथ आप बेसन का वॉश लगाइए। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही साथ शेयर करना, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं अपनी एक और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।